Assalamualaikum guys, this is Muzammil Qureshi here and you are on my channel Daily Swag. तो guys आज के इस वीडियो के अंदर गंदम के ऊपर बात करने जा रहा हूँ. guys एक टाइम था जब टर्की के हालात बहुत अच्छे थे तो टर्की के बंदरगाह के अंदर इंडिया का गंदम जाता है. तो guys टर्की के कुछ चंद एक लोग गंदम को चेक करके कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है. इंडिया को कहते हैं कि भाई आप अपने गंदम को वापस ले जाएं, ये हमारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है. तो गाइस वही टर्की है जो कि आज हालात ख़राब होने पर इंडिया को रिक्वेस्ट भेज रहा है. इंडिया को बार बार ये कह रहा है कि खुदा के लिए हमारी हेल्प करें, हमारे लोगों की हेल्प करें, हमें गंदम बचाए, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं. ये बात को मेंशन करना चाहूँगा कि इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपने हमारे गंदम को रिजेक्ट किया था, हम वापस नहीं देंगे. लेकिन हर चीज़ की कतारें लगा दी इंडिया ने टर्की के लिए. गाइस सबसे ज़्यादा हेल्प की है इस टाइम टर्की की इंडिया ने. गाइस इससे क्या सीखने को मिलता है जो हेल्प कर रहा है इंडिया टर्की की, इस बारे में पाकिस्तान पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं. गाड़ी स्टार्ट कर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. नाम आपका? रिजवान अब्बास. करते क्या है? मैं एविएशन एक्सपर्ट हूं जी, एविएशन स्पेशलिस्ट हूं. बहुत जबरदस्त, बहुत आला. बेसिकली बात करने का पर्पस ये है पाकिस्तान के मईशती हालात कैसे हैं, थोड़ा सा इस बारे में नजर डालिएगा. आई थिंक जी पाकिस्तान की मईशत के हालात जो है पिछले 8 से 10 महीने के अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है. और मुझे ये नहीं लग रहा कि जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत है उस वक्त तक कोई हालात बेहतर हों. सो होप फॉर द बेस्ट कि हम तो उस इमरान खान का वेट कर रहे हैं कि जब वो आएंगे दोबारा तो इंशाल्लाह हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी पहले जैसी परफॉर्मेंस मतलब बेहतर करेंगे मुल्क के लिए. लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि टर्की के ऊपर थोड़ी सी नज़र लेके जाना चाहूँगा आपकी. टर्की के अंदर जो उनसे हालात ख़राब हुए थे जिलजिले की वजह से, पाकिस्तान ने 48 घंटे में सिर्फ एक कंटेनर भेजा, एक अपने एरोप्लेन को भेजा जिसके अंदर सामान और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट की टीम गई थी कि जो कि उन लोगों को निकाल सके. लेकिन इंडिया ने इसके निस्बत आप 3 गुना 4 गुना ज़्यादा लगा लें हेल्प आउट की. तो अभी बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे, एक पुरानी सी बात है कि मैं आपको उसके तरफ भी नज़र दौड़ाना चाहूँगा आपकी, कि जो कि तुर्की है, तुर्की ने इंडिया के जो गंदम था उसको रिजेक्ट कर दिया था पास के अंदर. तो अभी वही तुर्की उसी गंदम को खा रहा है. क्या कहना चाहेंगे कि पास की हुई बातें से अब पछतावा हो रहा तुर्की को या नहीं? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है. आई थिंक तुर्की जो है वो हमेशा, जो मैंने देखा है क्योंकि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर मेरी एक बड़ी नज़र रही है, तुर्की हमेशा टाइम के मुताबिक अपने डिसीजन लेता है, जो उसको फ़ायदे नज़र आता है, जहाँ उसको अपने लोगों के लिए और अपने आवाम के लिए, आई थिंक वो हमेशा उसी वही फैसला करते हैं. अच्छा। ये मेरा ये जो है ना ओपिनियन है इस बारे में. लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि तुर्की के लोग अभी घरों से बाहर निकल कर थैंक यू इंडिया बोल रहे हैं, क्या वजूहत है कि हम ये थैंक यू क्यों नहीं हासिल कर सके एज अ पाकिस्तानी? आपको नहीं लगता कि हर हालात के हर महाज के अंदर टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन हम इस मामले के अंदर, इस मुकाम के अंदर जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हम पीछे हट गए? क्या कहना चाहेंगे? वो इसलिए हम पीछे हट गए ना कि हमारे अपने आदमी कुछ नहीं रहा. ठीक है, गवर्नमेंट बाग बाग के IMF के पास जाती है, एक महीने के बाद वो रिजर्व खत्म हो जाते हैं, एक हफ्ते के बाद वो रिजर्व खत्म हो जाते हैं, फिर IMF के पास जाते हैं, फिर वो रिजर्व खत्म हो, फिर IMF के पास जाते हैं. ये IMF से जान छुड़वाने का कोई हल नहीं है पाकिस्तान के पास, क्या वजूहत है? पता भी है कि ये नासूर की तरह पाकिस्तान पूरे को खा गया, कर्जा ले लेके खा गए हम, लेकिन अब भी क्या एक नॉर्मल आदमी को भी ये चीज़ का पता है कि कर्जा लेके हम खाएंगे, IMF से लेंगे तो ये तो एंड पे तबाही है? क्या कहना चाहेंगे? तो गेम बजाना पड़ेगा. तो भाई तो बिल्कुल डेफिनेटली आएगी ना, जहाँ जब आसिफ जरदारी जैसे बंदे इंडिया से एयरक्राफ्ट आ रहे हैं कराची एयरपोर्ट पे, आज तक किसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है कि जो इंडिया से एयरक्राफ्ट आए थे वो क्या डॉलरों में से क्या क्या लेके गए थे, डॉलरों के बैग भर के लेके गए थे. ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले बताया ना कि रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं है यहाँ पर. हमारे मुल्क के अंदर जो अशराफिया है वो तगड़े से तगड़ा हो रहा है, गरीब है वो गरीब तर हो रहा है, और जो दरमियाना तबका है वो तो उसकी तो बात ही अब ना करें ना, वो तो अब ना 3 में है ना 13 में है. ठीक है, अभी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह. सर नाम आपका? मोहम्मद यासिर. सर करते क्या हैं? मैं बिजनेस करता हूँ. बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त. सर बेसिकली बात करने का आपसे मेरा पर्पस ये है कि एक टाइम था टर्की ने ये कहकर इंडिया के वेट को रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपका गंदम जो है वो हमारे लोगों को सूटेबल नहीं है, हम आपका गंदम नहीं ले सकते, तो पोर्ट जाती है टर्की के बंदरगाह से वापस आ जाती है. तो अभी का टाइम ये है जब जलजला आया, क्राइसिस आए, तो नो डाउट कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा हेल्प की है, पूरी दुनिया से ज़्यादा, पाकिस्तान से भी कहीं गुना ज़्यादा टर्की की हेल्प की है. तो अभी दोबारा से टर्की इमदाद मांग रहा है, वीट की गंदम मांग रहा है कि भाई दे दो, हमारी हेल्प कर दो. क्या समझते हैं आपके, टर्की ने सही किया था तब या नहीं किया था?
मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि एक इंसान जो परेशान होता है ना, वो उसको ये नहीं पता लगता कि मैं किससे हेल्प लाऊँ। दूसरा ये कि पाकिस्तान भी बींग ए मुस्लिम, इन्होंने को पुरानी बातें भुला करना, तुर्की की हेल्प करनी चाहिए, हर तरह से करनी चाहिए। मेरा ये कहना है, अगर वहाँ पे जो जैसे प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे पिछले दिनों होके आए, अब सुना दोबारा कैंसिल करें, इधर जाना चाहिए पाकिस्तानी लोगों को भी, बल्कि जगह जगह पे ऐसे उनकी मदद के लिए ट्रक वगैरह, ऐसी सोसाइटियाँ जो उनकी जो हैं किसी की कम्युनिटियाँ वगैरह बनी, उनको आगे बढ़ना चाहिए। फलाही इदारों को वो आगे बढ़ के उनको पर्सनली तौर पर हर की उनकी ना टर्की वाले भाइयों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जैसे देखिए अल्लाह ताला कहा कि टर्की ने हमारे शहबाज शरीफ साहब जाना चाहते हैं, मतलब जाना चाहिए उनको, तो सर टर्की ने रिजेक्ट कर दिया शहबाज शरीफ को जाते हुए। टर्की को कहा, शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आपने नहीं आना, बिकॉज आप आएंगे तो हमारे हालात मजीद खराब हो जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे, आपको सिक्योरिटी देने के लिए बहुत सारे लोगों का ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा, तो आप ना आए, तुर्की कैंसिल कर दिया। तो अभी दोबारा स्टेटमेंट आ रही है उनके फॉरेन मिनिस्टर की, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर की, उन्होंने कहा कि भाई हम बिल्कुल अपोलोजाइज नहीं करते कि आपको हमने मना किया था, आप एक भिखारी हैं, जहाँ भी जाते हैं आप पैसे मांगने जाते हैं, आप यहाँ पर भी आएंगे तो आपसे आने का नुकसान, हमें फायदा नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं इसको ये कहता हूँ कि इसमें ऐसे देखता हूँ, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं चले उनको किसी से हेल्प का होगा तो पाकिस्तान के ना जाएं, इस वक्त तो परेशानी को देखें सबसे पहले, ये कि यहाँ से ये ऐड वगैरह भेज दें, उनको पता लग जाएगा, उनके मिनिस्टर्स को, उनके सदर को जो तैयब रजुगान है उनको और उनके काबीना को पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की लोग बींग ए मुस्लिम कितना टर्की से प्यार करते हैं। वही मैं आपकी बात जो सुन रहा हूँ, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जो फलाही इदारे उनको चाहिए कि आगे बढ़ के काम ऐसा करें कि तुर्की वालों को पता लग जाए कि पाकिस्तानी कितना दर्द रखते हैं अपने मुसलमान भाइयों। सर हम कर रहे हैं जितना हमें दर्द है, मतलब कि मुसलमान मुल्कों जो करना चाहिए पाकिस्तान को, जितना करना चाहिए, टर्की हर हाल में हमारा साथ देता है, क्या हम उसकी इतनी हेल्प कर रहे हैं? नहीं हम नहीं कर रहे, उसकी में ये है कि ना एक इंसान के दिल में दर्द है, वो क्या करेगा, वो आगे आगे इंसान देखता है कि कोई यह ट्रक खड़ा है, कोई इदारा है वो इकट्ठा कर रहा है, फिर इंसान आगे बढ़ेगा। एक पर्सनली तौर पे एक आदमी देखता है, अब यहाँ पे तो मौसम बदल गया, आपने वहाँ पे जब देखा होगा जब सैलाब आया और सॉरी जलजिला आया तो उस वक्त बहुत लोग बर्फ़ में बर्फबारी का इलाका है तो बहुत ज़्यादा वो परेशान है, इधर से बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बिस्तरों वगैरह की हर चीज़ों की खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर। सर हमें भी खुराक की और गंदम की और पॉलिटिकल क्राइसिस और आटे का सस्ता करने की ज़रूरत है या नहीं हमारे मुल्क को? वो तो है ही है, वो तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को तो चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे पहली बात ये कि कर्जे ना ले IMF से, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने माहदे ऐसे किए हैं, अब ये देखें ना ईरान हमें सस्ता ऑयल दे रहा है, फिर इसके अलावा मुसलमान मुल्क पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं मगर माहदे हुए हैं। अब देखें ईसाई मुल्कों में ये है कि कहीं पर भी, कहाँ यूरोप है, कहाँ अमेरिका, कहाँ आस्ट्रेलिया, उन्होंने टिकट लेके बैठ जाना, हमारे यहाँ से सारे मुसलमान की आपस में कंधे से कंधा मिल रहा है मुल्कों का, 57 कंट्रीज का, मगर वो मिल रहा है, मिलता है, मैंने कहा बॉर्डर के साथ बॉर्डर लगता है मेरा मतलब, मगर वो जितना को पाकिस्तान को अभी हेल्प चाहिए, क्या दुनिया हमारी हेल्प कर रही है उस किस्म की? 57 कंट्रीज आपने बताया जो मुस्लिम कंट्रीज है, क्या वो हमारा हेल्प कर रही है? आपको नहीं लगता कि अगर वो सारी कंट्रीज, अगर हम एक जहाँ होते, हम मुसलमान जो उम्मा है वो मुतहद होती, तो आज पाकिस्तान के जो क्राइसिस है हम उसे फौरन ना निकल आते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ, ये तो इस सिलसिले में मैं पाकिस्तानी को भी कहता हूँ कुछ हेल्प कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। दूसरा मैं इस सिलसिले में ये भी कहता हूँ कि अगर एक इंसान है मुसलमान है तो वो अगर इस्लाम के असूलों पे चलेगा तो है ना, अब हमारे यहाँ पे बैंककारी निज़ाम, सूद का सिस्टम, ईसाइयों यहूदियों की पॉलिसियाँ चल रही, अगर हम इस्लाम की चीज़ को लेके चलेंगे, उन्होंने वो कहा ईसाई और यहूदियों की पॉलिसी चलती है। सर आपने कहा कि इसराइल के अंदर आप हुए, आप मुझे बताइएगा कि किसी भी बैंक के अंदर सूद निज़ाम चलता हो तो आप मुझे आकर दोबारा बताइएगा कि तुम बकवास कर रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे? नहीं देखिए जी, वहाँ पर नहीं चलता सर, आप अमेरिका में भी चलेंगे तो वहाँ पर इंटरेस्ट चलता होगा, अमेरिका का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि आप इसराइल के अंदर हो आए, आपको सूदी निज़ाम 0/0 मिलेगा। मैं आपको ये